सांसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है और चूक भी ऐसे दिन हुई जब आज संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी है। नमस्कार, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। 13 दिसंबर 2001 में आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे जबकि 5 आतंकी मारे गए थे। और एक बार फिर ऐसी ही घटना आज यानी कि बुधवार दोपहर 1:01 पर हुई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खेगन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई, सांसद यहां वहां भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया। कार्यवाही में मौजूद सांसदों ने बताया कि शून्यकाल में बीजेपी सांसद खड़गे मुर्मू बोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। वो पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया। दोनों युवकों के हाथ में टियर गैस कनस्तर था, इससे उन्होंने गैस छिड़कनी शुरू कर दी। हिरासत में लिए गए आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्रवाई के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्य तिथि मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब सदन में ये दो शख्स कूदे, उसी वक्त सदन के बाहर भी सुरक्षा कर्मियों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और वैसे ही कलर का स्प्रे उनके पास भी मिला। इनमें एक महिला भी थी जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, वहीं दूसरे शख्स का नाम अनमोल शिंदे है। दोनों भारत माता की जय, जय भीम, ताना शाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया तो दोनों चिल्ला रहे थे कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। दोनों से सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूछताछ कर रही है।